हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सबको ठीक हो? चलो सही है, गुड, वेरी गुड। बहुत दिनों के बाद फिर से स्टार्ट हो रहा है ना ये वीडियो, काफ़ी लेट हो गया था। चलो कोई बात नहीं है। हम लोग को सबको याद है ना कहाँ तक क्या पढ़ रहे थे? सबको याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रो स्टैटिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। चलो नाउ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग काफ़ी सारा चीज़ पढ़ ही लिए हैं। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग काफ़ी सारा चीज़ पढ़ी है। इसको हम आज ख़त्म हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, और कल इसको हम पूरा वाइंड अप कर लेंगे, पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स को एक लेक्चर में पूरा ओवरऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कल पढ़ लेंगे। आज अंतिम टॉपिक सब कुछ कुछ डिस्कस कर लेते हैं जो बचा है, बहुत ही इजी बचा हुआ है, ठीक है ना। चलो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे पहले ये थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लेते हैं कहाँ तक पढ़े थे हम लोग, कैसा पढ़े थे। सबसे पहले क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। सबसे पहले क्या पढ़े थे हम लोग? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़े थे। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ने के बाद क्या पढ़े? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े, उसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़े, इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टीज़ भी पढ़े थे, ठीक है ना, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं सबका, ये पढ़े थे, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सबके द्वारा कितना होता है? पॉइंट चार्ज के कारण कितना होता है, लाइन सोर्स के कारण कितना होता है, प्लेन शीट के कारण कितना होता है, स्फेयर के कारण कितना होता है, सारा पढ़ लिए थे हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नंबर जो निकलता था सारा सरफेस से, उसको क्या बोलते थे हम लोग? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि गॉस लॉ। क्या पढ़े थे? गॉस लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ईजी भी है, ठीक है ना। गॉस लॉ बार बार रिवाइज करो, बार 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 जाकर रिवाइज करो, ठीक। गॉस लॉ पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग उसी में कंडक्टर्स पढ़ रहे थे। कंडक्टर्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, कंडक्टिंग स्फीयर्स के बारे में पढ़े थे, है ना। हमारा जो हॉलो कंडक्टिंग था, ठीक, सॉलिड कंडक्टिंग था, चाहे या फिर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ये तीनों सेम टाइप बिहेव करता था। क्यों? क्योंकि सब केस में चार्ज कहाँ होता था? आउटर सरफेस पे। सारा सबको याद आ रहा होगा, जाके ये रिवाइज कर लेना। एक उसमें प्रॉब्लम बचा था, हम लोग डिस्कस करना है आज। हम लोग कहाँ से शुरू करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यानी कि कैविटी प्रॉब्लम्स, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखो नाम से क्लियर हो जाएगा, शील्ड मतलब कि सुरक्षा कवच, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या फिर कैविटी प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। देखो समझना होगा प्रॉब्लम्स, ठीक है, कैविटी प्रॉब्लम्स। पॉज करके वीडियो को लिखते रहना है, ठीक है ना, लिखते रहना है, नोट्स बनना चाहिए। जब तक नोट्स नहीं बनेगा नथिंग इज गोइंग टू हैपन, ओके। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या कहते हैं हमको? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। क्या है कि मान लो हमारा एक कंडक्टर है। क्या है? एक कंडक्टर, ठीक है, ये कंडक्टर है। कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टिंग है या सॉलिड है भी, ठीक है ना, सॉलिड कंडक्टिंग है, सॉलिड, ठीक। और इसमें है खड्ढा, खड्ढा यानी बोले तो कैविटी। क्या है? कैविटी है, ठीक है ना। चलो गुड, तो हम लोग क्या पढ़े थे? प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, सबको याद होगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर मस्ट बी इक्वल टू जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मेरा? जीरो। चार्ज हमारा इस तरह से इसमें नाचना शुरू करता है, हमारा चार्ज इस कंडक्टर का इस तरह से नाचेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अपने आप को अरेंज करेगा ताकि बाहर भी अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं बाहर से, तब भी मेरा क्या हो, इनसाइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो मेरा कंडक्टर्स के अंदर? जीरो हो। क्या हो? जीरो हो। उसी तरह से मेरा यहाँ पे चार्ज जो है सो अरेंज कर लेता है, ठीक है ना, गुड। यही है क्या है कि अगर हम बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मेरा चार्ज जो है अपने आप इस तरह से सेपरेट कर जाएगा, ताकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो? जीरो हो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या हो? जीरो हो। जब भैया जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर का जीरो हो गया तो क्या कैविटी के अंदर भी क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ना? ऑब्वियसली भाई, जब कंडक्टर में जीरो है तो कैविटी में भी जीरो। कैविटी तो और सन्नाटा है, वैक्यूम है, वहां तो चार्ज को इधर उधर जाने की जरूरत भी नहीं है। इसमें चार्ज था तो चार्ज अपना इधर उधर नाटक किया, इधर उधर ट्रैवल कर गया, चार्ज सेपरेशन हो गया, चार्ज इंड्यूस हो गया, इंडक्शन ऑफ चार्ज हो गया, उसकी वजह से यहाँ पर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो ही गया, प्लस यहाँ भी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कैविटी के अंदर भी। क्या क्लियर है? ठीक है ना, कैविटी के अंदर भी मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इसी बात को हम लोग क्या कहते हैं? अगर मेरा कंडक्टर्स है, उसके अंदर कैविटी अगर है, यानी कि छेदा है, एक अगर स्पेस है, खड्ढा है, तो हम बाहर कोई भी चार्ज रख दे, कोई भी सिस्टम रख दे, किसी भी तरीका से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दे, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, यानी कि बाहरी डिस्टरबेंस की वजह से, अंदर में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। इसी का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या फिर
कैविटी में इस तरह से मेरा शील्डिंग होता है, यानी कि कोई भी अच्छा चीज़ को हमको बचाना है अगर बहुत बहुत ही कीमती चीज़ों को, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, तो कैविटी में आराम से कंडक्टर के अंदर रख दो, सेफ है, बाहर बिजली करके कि कुछ भी हो अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसको हम लोग गॉस लॉ से भी समझ सकते हैं, कैसे, जैसे मान लो कैविटी है, कैविटी को थोड़ा यहाँ जू, ये कैविटी जैसे यहाँ हम कैविटी से बना लिए, ठीक है, कंडक्टर से, कंडक्टर मेरा ऐसे था, ठीक, यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस बनाए, क्या बनाए यहाँ पर, गॉसियन सरफेस बना लिए, बाहर से फील्ड अप्लाई किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या बनाए हैं, गॉसियन सरफेस, सबको याद आ रहा होगा गॉसियन सरफेस क्या होता है, हाइपोथेटिकल सरफेस होता है, याद है ना सबको, गुड। तो अगर ये हाइपोथेटिकल सरफेस होता है तो गॉस लॉ क्या कहता है हमको, ये फ्लक्स इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड, और इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस, डी एस बोलो चाहे डी ए बोलो, बात एक ही है ना, सही है। तो भैया आप बताओ यहाँ पर क्या है, क्या कोई इस गॉसियन सरफेस के भीतर में क्या कोई चार्ज रखा हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं, अब चार्ज नहीं दिख रहा है, मतलब ये चीज़ मेरा जीरो, ये चीज़ मेरा जीरो, जब ये चीज़ जीरो तो मेरा इंटीग्रल ई डॉट डी एस भी जीरो, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, तो जीरो होगा क्योंकि क्योंकि अंदर में कोई चार्ज नहीं है रखा हुआ, इसका मतलब इसका पूरा इंटीग्रेशन जीरो। क्या एरिया जीरो हो सकता है, नो नेवर एवर, भाई एरिया तो होगा ही ना, इसका एरिया तो होगा ही, इसका मतलब किसको जीरो होना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को ही जीरो होना पड़ेगा इनसाइड द कैविटी, इनसाइड द कैविटी, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को मेरा जीरो होना पड़े गा। तो ये तो सबको समझ में आ रहा है, चलो नोट डाउन करो जल्दी फटाक से। क्लियर है, चलो। तो इससे हमको क्या पता चला कि भैया भाई गॉस लॉ की मदद से हम लोग क्या प्रूफ कर लिए मैथमेटिकली कि हम बाहर से अगर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कैविटी के अंदर मेरा कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिस्टर्ब द कैविटी एंड इट्स स्पेस, कैविटी और उसके स्पेस को छेड़छाड़ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि भैया चार्ज तो अपना अनाटक खेल लेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होना चाहिए, ठीक है ना, बात सबको समझ में आ रहा है, चलो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह, सबको याद है, चलो लिख लो जल्दी इसको, गॉस लॉ से ये प्रूफ हो गया, ठीक, इसी को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, बहुत ही भयावह, नहीं करना है इसको, ठीक है, चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, लिख लिया, आई होप, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, लेकिन नोट्स बना ही लो, बिना नोट्स बनाए काम नहीं चलेगा, ठीक है, चलो फाइन, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है, चलो। तो अब ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, एक दिन लास्ट लेक्चर में करवाए होंगे, याद आ रहा होगा सबको, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, याद आ रहा है, क्या था, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था जिसमें सारा चार्ज पूरे वॉल्यूम में था, ठीक है ना, ये चार्ज कंडक्टर है तो भाई चार्ज तो अंदर है ही, ठीक है ना, तो आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था सबको याद है ना, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, रो क्या है, रो कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, आई होप सबको याद आ रहा होगा ये फार्मूला, ठीक, एक्चुअली भी जो आर है ना, ये जो आर है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्लियर है, मान लो यहाँ पे कैविटी होता, ठीक, मान लो यहाँ पे कैविटी ऐसे करके होता, सही है, कैविटी ये रहा मान लो सेंटर टू सेंटर, सही है, स्फेरिकल है मान लो ये, सही है, गुड, वेल डन, तो इसका मतलब इसको ऐसे समझो कि वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, रो आर वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, बहुत ईजी है, सिंपल है, कोई टफ नहीं है, ठीक है ना, चलो, तो ये क्या है, ये बउआ नॉन
कंडक्टिंग स्फेयर, चार्ज है ये, चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, ठीक है ना। अब इसमें कैविटी है, ये क्या है, कैविटी है आर रेडियस वाला, ठीक, आर रेडियस का स्फेयर है, कैविटी है, ये भी बराबर का रेडियस आर है, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो इस स्फेयर के अंदर, अब तो भैया ये कैविटी के अंदर, अब भैया ये तो चार्ज है ना, न्यूट्रल थोड़ी है, अब तो चार्ज है, चार्ज है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अब, ठीक है ना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो भैया किधर होगा, तो देखो इस तरह से होगा, ये रहा ऐसे ऐसे ऐसे, क्लियर है सबको, बात सबको समझ में आ रहा है। ई वेक्टर इक्वल्स टू रो आर वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये फंडा याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेक्टोरियली भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डायरेक्शन में ही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, पॉजिटिव होता दूर, निगेटिव होता पास, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट करो इसको, कैविटी इन साइड अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फेयर, ठीक है ना, जल्दी फटाक से इसको नोट करो, ठीक, क्लियर है सबको, बात समझ में आ रहा है इतना। ये डिराइव ये था ना लास्ट लेक्चर में, कहे तो याद होगा, चलो हो गया ना, ठीक है अब। हाँ आई होप सबको हो गया होगा। चलो तो अब कैसे इसको करें, हैंडल कैविटी को कैसे हैंडल करें। अच्छा अब बताओ, अगर कैविटी के अंदर हम कोई चार्ज रख दे, कैविटी के अंदर अब एक कोई कैविटी यहाँ है, इसके अंदर अगर चार्ज रख दें क्यू, ठीक है ना, ये तो अपना कंडक्टर है, ठीक, जब तक बोले कंडक्टर है तब तो उसको न्यूट्रल मांगे, चलो चार्ज, तो चार्ज बोल देंगे कितना चार्ज है, तो भैया चार्ज इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा ही होना है, चार्ज है अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किस तरह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से होगा, ताकि इस पर कैसे गिर रहा होगा, परपेंडिकुलरली, कैसे गिर रहा होगा, परपेंडिकुलरली गिर रहा होगा, परपेंडिकुलरली गिर रहा होगा। अब चूंकि यहाँ पे चार्ज है क्यू, चूंकि यहाँ पे चार्ज है क्यू, हम रख दिए हैं, ये तो मेरा कंडक्टर है, ये क्या है मेरा कंडक्टर है, ये क्या है कैविटी है, कंडक्टर मतलब सॉलिड है बुरा ये, अच्छा तो हो गया, बात खत्म हो गया यहीं पे, नहीं ना, क्या होगा अब फंडा, देखो अब इसके अंदर तो है चार्ज तो प्रेजेंट है ना, न्यूट्रल का मतलब है ना कि चार्ज नहीं है, चार्ज तो वहाँ प्रेजेंट है, चार्ज इज देयर, ठीक है, तो चार्ज अब इस तरह से, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो भैया निगेटिव चार्ज यहाँ पर नहीं आ गया होगा क्या, निगेटिव चार्ज यहाँ पर अपीयर कर गया होगा, नहीं निगेटिव चार्ज यहाँ पर अपीयर कर गया होगा इसके इंटरनल सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो गया होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमारा आउटर सरफेस पे मेरा अपीयर कर गया होगा, देखो ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों हो गया, इंड्यूस चार्ज इंड्यूस हो गया ना, अरे यार यहाँ पे चार्ज रखा हुआ था स्मॉल क्यू, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही अंदर में, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर यहाँ आना चाह रहा है, लेकिन हम तो ऐसे अरेंजमेंट करेंगे ना यहाँ पे, ताकि यहाँ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना होना चाहिए भैया, ये तो सॉलिड जगह है, तो यहाँ पे मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से हमको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा, देखो एक्सटर्नल देखो ये इसको बाहर दे तो इधर होगा, तो मेरा ये तो यहाँ पे मेरा चार्ज इंडक्शन इस दोनों सर्फेस के बीच में होना चाहिए था ना, कॉमन सेंस। अब वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो इलेक्ट्रॉन्स को तो अट्रैक्ट कर लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड अपने तरफ, नहीं कर लेगा, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको तो अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ना अट्रैक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे यार फोर्स बराबर क्यू इंटू ई, सब भूल गए क्या तुम लोग, वो तो वही लग रहा है, सब भूल गए लग रहा है, क्यों यहाँ पे कौन है इलेक्ट्रॉन, ठीक, चूंकि निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन में, तो सारा इलेक्ट्रॉन इसके अट्रैक्ट हो गया इसके पास, नहीं जब ये सारा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गया तो फिर सारा का सारा इधर माइनस आ गया, तो उधर क्या बचा आउटर सरफेस से प्लस, यानी कि मेरा जब भी हम यहाँ पे कोई चार्ज हम रखेंगे, अगर मान लो प्लस चार्ज रखे, तो ये प्लस चार्ज पूरा ओवरऑल इंड्यूस होके कहाँ आ जाएगा, सरफेस पर, कहाँ, इक्वल चार्ज विल अपियर एट, इक्वल चार्ज विल अपियर एट आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फेयर, कंडक्टिंग स्फेयर का आउटर सरफेस इक्वल चार्ज आ जाएगा,
इंड्यूस इक्वल चार्ज व्यू बी विल अपियर एट द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। अब आराम से इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर अपना होगा। यार चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना तय है। अरे बात सबको समझ में आ रहा है ना? गुड, नोट डाउन करो जल्दी फटाफट, इसको भी नोट डाउन करो। बस कैविटी में सब चल रहा है, कैविटी में ऐसे ही खेल के लगा। कैविटी के अंदर चार्ज है, चार्ज इनसाइड कैविटी, हेडिंग लिख सकते हो, चार्ज इनसाइड कैविटी, हेडिंग लिख सकते हो चार्ज इनसाइड कैविटी, चार्ज इनसाइड कैविटी, ठीक है ना? फटाफट बस अंडरस्टैंड करते रहो चीज़ों को। अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया, सब हो गया। क्या किया हम? सिंपल, एक चार्ज रख दी कैविटी में, चार्ज रखे थे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो जो भी इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इसके पास अट्रैक्ट हो जाएगा, इसके पास अट्रैक्ट होगा तो मेरा इधर क्या बचा? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया बाहर आउटर सरफेस पे, इंड्यूस हो गया तो मेरे भैया मेरा इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो भी हो गया और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर भी कर गया। अपना अंदर चार्ज है तो कैविटी के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा। बात समझ आ रहा है ना? अगर अंदर चार्ज रखेंगे तो सरफेस पर चार्ज इंड्यूस कर जाता है, दिमाग में सेट रखो, ठीक है? गुड, चलो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, चार्ज इनसाइड कैविटी। इससे पहले क्या था? कैविटी के अंदर चार्ज नहीं था उस टाइम, ठीक है? चलो सबको समझ में आ रहा है? कैविटी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, टफ नहीं है। टफ जितना लेके चलोगे उतना टफ लगेगा, जितना इजी लेके चलोगे उतना इजी लगेगा, ठीक है? इट्स इजी कॉन्सेप्ट, ठीक? कैविटी हो गया, सबको समझ में आ रहा है, बात क्लियर है? गुड। अब चलो तो यही क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कि मेरा भैया अगर अंदर कोई चार्ज अगर नहीं है तो बाहर अगर हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हैं तो मेरा इंटरनली कोई इफेक्ट नहीं होने जा रहा है, ठीक है ना? गुड। अब चलो अब क्या करना है हम लोग को, ठीक है? अब हम क्या सीखने वाले हैं? अब हम सीखने वाले हैं क्या कि मान लो कि दो प्लेट है, ठीक है? इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2, उसको अब आस पास लाए, दो पैरेलल प्लेट को आस पास लाए, ठीक है ना? सही है ना? इस पर कैपिटल Q1 लिख लो, इस पर कैपिटल Q2, सही है। अब आस पास लाए हैं तो भाई कुछ तो होगा ना, चार्ज इधर उधर कुछ ना कुछ तो इंड्यूस होगा, कुछ ना कुछ तो होना तय है, ठीक? तो भैया मान लो कि यहाँ पर चार्ज आ गया Q1, यहाँ Q2, यहाँ पर Q3, यहाँ पर Q4 आ गया, क्लियर है? Q4 आ गया, सही है। गुड। अंदर हम क्या जानते हैं? चूंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग प्लेट्स, पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, सही है, पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। अच्छा कंडक्टर है तो अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? मेरा जीरो होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। सबका क्रॉस सबका एरिया क्या मान लो? ए, ठीक? क्या मान लो? एरिया ए। और यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो चलो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करते हैं, ठीक? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करते हैं, क्या लिखने वाले हैं हम लोग? Q1 इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा ना, इधर, इसकी वजह से, इधर वाले चार्ज की वजह से। Q1 अपॉन क्या था आंसर? याद करो, पैरेलल प्लेट के कारण Q अपॉन σ/2ε0, याद है यार, σ/2ε0, सबको सिग्मा क्या है? चार्ज बाय एरिया, ठीक? तो Q1/2ε0, ठीक? इसकी वजह से इधर होगा, इस Q3 की वजह से भी इधर होगा, Q4 की वजह से भी इधर होगा, ठीक? तो यानी कि सबको माइनस Q2/2ε0, ठीक? माइनस Q3/2ε0, माइनस Q4/2ε0 बराबर जीरो, रिश्ता नंबर 1, ठीक? यहाँ से क्या आ गया? Q1/Q2+Q3+Q4, ठीक? यह है रिश्ता 1, क्लियर है सबको? चलो ठीक, उसी प्रकार यहाँ भी इस पॉइंट पे भी देखा जाए तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होना चाहिए? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ये क्या क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यहाँ पे ई नेट तो जीरो होना चाहिए ना, इनसाइड है तो जीरो होगा ही, ठीक? उसी प्रकार यहाँ पे देखो तो इसकी वजह से होगा इधर, बाकी इसके वजह से होगा उस साइड। तो पहले इसकी वजह से लिख लें Q4, नहीं पहले ई एस सबकी वजह से लिख लेते हैं, ठीक है ना? उधर राइट साइड को पॉजिटिव मान के चले हुए हैं,
Q1 by 2A epsilon naught plus Q2 by 2A epsilon naught इसकी वजह से, इसकी वजह से plus Q3 by 2A epsilon naught, फिर minus इसकी वजह से Q4 by 2A epsilon naught बराबर 0। तो Q1 plus Q2 plus Q3 बराबर Q4, रिश्ता नंबर दूसरा। रिश्ता नंबर दूसरा अब जानते हैं हम, हो गया क्लियर है, क्लियर है। Q1 plus Q2 plus Q1 plus Q2 plus Q3 बराबर Q4, ठीक। Q4 देखो तो यहाँ से हम Q2 plus Q3 को लिख सकते हैं Q4 minus Q1। देखो यहाँ लिख सकते हैं Q4 minus Q1, यहाँ तो प्लस Q4 है ही, Q1, ठीक। ये Q1 इधर आ गया तो 2Q1 बराबर 2Q4, तो Q1 बराबर Q4, ये तो पता चल रहा है सबको, यानी कि यहाँ पे जो चार्ज होगा, यहाँ पे जो चार्ज होगा इक्वल होगा, दिख गया सबको। आउटसाइड सरफेस हैज इक्वल चार्ज, ऐसा क्यों हो रहा बच्चा, क्योंकि चार्ज इंड्यूस हो गया, आपने सामने रखे तो कुछ ना कुछ चार्ज तो इंड्यूस करेगा, नहीं दूसरे पे इफेक्ट डालेगा ना, तो ये सब इंड्यूस चार्ज है। Q1 Q2 Q3 Q4 क्या है, इंड्यूस चार्ज। दो पैरेलल प्लेट को सामने रख दिए, चार्ज था पहले से, तो भाई कुछ कुछ चार्ज इंड्यूस कर गया, ठीक है ना। देखो बाहर और यहाँ पे हो गया ना, क्लियर फंडा यहाँ पे, ठीक। अब हम जानते हैं Q1 plus Q2 कितना के बराबर होना चाहिए। Q1 plus Q2 मेरा पूरा कैपिटल Q1 के बराबर, और Q2 plus Q4 भी कैपिटल Q2 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो तो Q1 plus Q2 और Q2 plus Q4, ठीक है, Q2 plus Q4 और Q1 plus Q2 सही यहाँ तक। अब क्या करेंगे, ठीक। चार इक्वेशन आ गया, चार वेरिएबल है, चार इक्वेशन। देखो एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन और चार इक्वेशन, और वेरिएबल भी चार है। अब तो हो जाएगा Q4 और Q1 तो बराबर ही आ गया है ना, Q4 Q1 तो बराबर ही आ गया, ये तो जीरो हो गया, ठीक है, यानी कि Q2 बराबर माइनस Q3 हो गया, ठीक। ये भी एक इक्वेशन आ गया, क्लियर है। Q2 और Q3 अपोजिट एक दूसरे के बिल्कुल क्वाड्रेंट अपोजिट आ गया, ठीक। अब आराम से सही है, अब हो जाएगा, ठीक है ना, अब इजी हो गया अब, ठीक है। तो Q2 और Q3 एक दूसरे के इक्वाड्रेंट अपोजिट आ गया, ठीक है ना। तो सारा को चार्ज को अगर हम जोड़े जाएंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बराबर क्या होना चाहिए, Q1 प्लस Q2, ठीक है। अब चूंकि Q2 प्लस Q3 तो जीरो है, Q2 प्लस Q3 तो जीरो है, तो Q1 प्लस Q4 बराबर सही है ना, 2Q1 बराबर Q1 प्लस Q2, तो Q1 आ गया Q1 प्लस Q2 बाय 2। अरे यार समझ में आ गया सबको, यानी कि बाहर और आउटर सरफेस से मेरा चार्ज कितना हो जाएगा, एवरेज ऑफ टोटल चार्ज, सही है। हो जाता है कभी कभी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक। आ गया, आई होप समझ में आ रहा हो सबको। जब ये Q1 इतना आ गया तो Q2 कितना आएगा, Q2 इक्वल्स टू Q1 में से Q1 प्लस Q2 बाय 2 को घटा दो, क्या बचेगा, 2Q1 माइनस Q2 बाय 2, यहाँ पर Q2 इतना आ गया, ख़त्म। तो सब अब तो सारा आ जाएगा, मेन तो था बाहर और भीतर आ जाए, तो आउटर सरफेस पे कितना आया, एवरेज ऑफ दोनों चार्ज का, पैरेलल प्लेट वाले में हमेशा याद रखना यही होता है, ठीक है ना। चलो नोट, अब नोट कर लो उसको सही से, ठीक। मेन ये है कि ये एक्सटर्नल सरफेस पे ये चार्ज आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी से नोट करो और उसको स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ Q2 इतना आ गया तो Q3 इसके जस्ट अपोजिट होगा माइनस का, Q4 तो इतना ही है, Q1 प्लस Q2 बाय 2, क्लियर है। चलो ठीक है, थैंक यू। सबको समझ में आ गया ना, क्या कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ये इक्वेशन आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो की, तो देखो ये वाला इक्वेशन आ गया, थोड़ा सा बस इक्वेशन इक्वेशन को खेले हैं। Q1 प्लस Q2 तो Q1 के बराबर होना चाहिए, थर्ड इक्वेशन, और Q3 प्लस Q4 भी Q2 के बराबर होना चाहिए, फोर्थ इक्वेशन। देखो चार इक्वेशन, 1 2 3 4, चार इक्वेशन, चार वेरिएबल है, आ जाएगा, आ ही गया, ठीक। देख लियो कैसे कैसे, बस एक बार खुद से बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ें, इसमें बहुत सारा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक। अब हम लोग आज अब क्या पढ़ने वाले हैं आगे, बहुत ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, पोटेंशियल। उसका पोटेंशियल एनर्जी, खेल ख़त्म, ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मतलब एनर्जी है, याद रखना हमेशा। अगर चार्ज है, ठीक है ना, सबको समझ में आ गया ना कैसे कैसे हुआ,
चलो आगे बढ़ते जाते हैं। चार्ज है तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह चारों तरफ है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसको समझो, एज एनर्जी। क्या है? एनर्जी आ गया स्पेस में, हमेशा एनर्जी के टर्म्स में सोचना पड़ता है फिजिक्स में, ठीक है ना। एनर्जी स्पेस में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ वहाँ मेरा एनर्जी, वहाँ 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 मेरा एनर्जी, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक। तो एनर्जी, एनर्जी आ गया, ठीक है भैया, एनर्जी आ गया। तो अब क्या करें? तो हम जो याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरा कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स के हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। क्या डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है। क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन हो पा रहा है? क्योंकि मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है, क्लियर है ना जी, गुड। अब टू पॉइंट चार्ज को लेकर सोचेंगे, बात मेरा क्लियर हो जाएगा। टू पॉइंट चार्ज सिस्टम को लेकर सोचेंगे तो मेरा काम ईजी लगेगा। मान लो एक चार्ज Q1 यहाँ रखा हुआ है, ठीक, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई चारों तरफ होगा ही। एक Q2 को उठा के जो कि इन्फिनिटी पर था, इन्फिनिटी मतलब इसके रेंज से बहुत ही दूर था, उसको जब उठा के हम यहाँ पे लाए Q2 को r दूरी पर, ठीक, तो भैया रास्ते में इस Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वजह से इस पर तो फोर्स लग रहा होगा इधर, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स, ठीक। हम इसको पुश कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के कि भैया नहीं तुम तो चलवे करो, नहीं तो इस तरह से ला रहे हैं हम फोर्स लगा के, इस तरह से ला रहे हैं ताकि मेरा वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक। इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं ताकि मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, ताकि मेरा नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि नेट फोर्स जीरो, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है ना। चलो क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा बात? तो भैया हमको एक्सटर्नल वर्क तो करना पड़ा होगा ना, क्योंकि इस Q1 की वजह से Q2 तो उधर पुश हो रहा है, तो हमको तो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। वही जो हम एक्सटर्नल वर्क डन करेंगे, वही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इस दोनों चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी दोनों चार्ज सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, क्लियर है। तो सिंपल है, बस रथ निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलो अब मान लो एक्स पे जाके हम dx दूरी हम चले, dx दूरी उधर से इसको पुश की है, ठीक है ना, x पे जाके dx, तो x पे गए होंगे तो मेरा वर्क डन निकाल रहे हैं, देखो वर्क बराबर इंटीग्रल क्या, वर्क डन बराबर f डॉट dx होता है ना, याद है सबको, वर्क बराबर f डॉट dx। f यहाँ कौन सा फोर्स है? यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्लियर है। आप देखो लेकिन ये जो वर्क है ये किसका वर्क लिखे हैं? अपना एक्सटर्नल वर्क डन, ठीक, एक्सटर्नल वर्क डन, ये एक्सटर्नल है, ठीक है ना, एक्सटर्नल। लेकिन अगर हमको अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, यहाँ तो लिखना पड़ेगा ना माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट dx, क्लियर है। सबको समझ में आ रहा है बात? माइनस लगे क्यों लगा? इक्वल अपोजिट होगा ना, इक्वल अपोजिट, ठीक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा एक्स दूरी पर? k q1 q2 / x² हम लोग सब जानते हैं, k एक माइनस पीछे लगा हुआ है, k q1 q2 / x², अरे यार x दूरी पर q1 q2 चार्ज रखा हुआ है, इतना dx, ठीक। तो इसको यहाँ देखो, ऊपर देखो, इंटीग्रल माइनस का माइनस के q1 q2 वहाँ पर 1x² dx, कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं जी? x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? पहले x कहाँ था? इन्फिनिटी पे, अब कहाँ पे है? r पे, क्लियर। माइनस के q1 q2 अब 1x² का इंटीग्रेशन माइनस 1/x, तो प्लस करते हैं यहाँ पर 1/x, कहाँ से कहाँ? इन्फिनिटी टू r, तो के q1 q2 इंटू 1/r माइनस 1/∞, 1/∞ तो जीरो, तो के q1 q2 बाय r, यही क्या है वर्क डन। लेकिन किससे कारण वर्क डन आया? आप तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लगा दिए हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वर्क डन इतना, तो पोटेंशियल एनर्जी भी सिस्टम का कितना? इतना ही। तो यानी कि क्या सबको समझा? कितना पहले नोट कर लो, सॉरी नोट कर लो पहले, समझ में आ गया ना? क्या किए? कुछ नहीं किए, सिंपल है यार, फिजिक्स में सिंपल है सब, वर्क किए, वर्क ही तो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। वर्क एनर्जी में कन्वर्ट क्यों हो रहा है यहाँ पे फिलहाल? क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगा, कैसे डिफाइन होगा? हो गया, सिंपल है, हो गया। चलो
नोट कर लो पॉज करके, पहले यहाँ लिखे हैं, यहाँ से यहाँ है, यहाँ यहाँ ये, ठीक है चलो। यानी कि मेरा 2.4 चार्ज अगर आर दूरी पर रखा होगा तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है के क्यू वन क्यू टू बाय आर, कितना होता है के क्यू वन क्यू टू बाय आर, ठीक के क्यू वन क्यू टू बाय आर, ठीक है सबको समझ आ रहा है इतना बात, के क्यू वन क्यू टू बाय आर होता है, सही है गुड। एक 2.4 जगह क्यू वन क्यू टू मेरा आर दूरी पर रखा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का के क्यू वन क्यू टू बाई आर होता है, साइन के साथ सबको रख दो कोई दिक्कत नहीं है, साइन तो जुगली होगा, ठीक क्लियर है क्लियर। अच्छा मान लो दो तीन को ट्रायंगल बना के दे देगा सिस्टम तो इसको पकड़ लेना, इसको पकड़ लेना, इसको पकड़ लेना, अगर स्क्वायर बना के सिस्टम दे देगा तो इस दोनों को पकड़ना, इस दोनों को, इसको 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 और इसको, छः गो ट्रायंगल में तो दिख रहा है तीन ही सिस्टम पकड़ाया गया, लेकिन स्क्वायर में छः सिस्टम पकड़ाया गया, चारों साइड और दो डायगोनल, ठीक है ना ये ध्यान रखना, ठीक है तो लिखा जाएगा मान लो यहाँ Q1 होता Q2 होता Q3 होता तो U बराबर क्या लिखते हैं के Q1 Q2 भाई यहाँ मान लो इसको R1 मान लो, ठीक ये मान लो R1 है, ये R2 है, ये R3 है, प्लस के Q2 प्लस Q2 Q3 बाय R2 प्लस के Q3 इंटू Q1 बाय R3 हो गया। उस केस में के Q1 Q2 अपन R प्लस के Q2 Q3 अपन R प्लस ये दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस चारों का चारों होता, ठीक है इसका लिख के दिखा दिए हम टोटल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है ना क्लियर है। इससे बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाता है, इससे बहुत अच्छा अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनर्जी के मदद से सॉल्व हो जाता है, यही फेवरेट होना चाहिए तुम लोग का भी, ठीक कि पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट कर दो काइनेटिक में, अब कन्वर्टिव फोर्स आ गया ना तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो जाएगा आराम से बिंदास, नहीं हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी तो खेलने आता ही है, अगर सिस्टम पर सिर्फ सिर्फ मेरा कन्जर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है तो सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है कंजर्व, यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, बस उसी का तो यूज फायदा उठाएंगे। देखो पहला सवाल कि मान लो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे तीन चार्ज को रख दिए हैं, मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे तीन चार्ज को ऐसे ऐसे Q1 Q2 Q3 को रख दिए हैं, ठीक L L L रख के अब छोड़ दिए, तो रख के छोड़ दिए सब भागेगा अपना फोर्स, इसके कारण ये दोनों कारण इस पर फोर्स लग रहा होगा, इस दोनों के कारण इस पर फोर्स लग रहा होगा, इस दोनों के कारण इस पर फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स तक सब पे लग रहा होगा, तो सिस्टम को जो जैसे ही हम रख के रिलीज करेंगे सब भागना शुरू करेगा, भागते जाते बहुत दूर चला जाएगा, तो उस बहुत दूर जाने टाइम वेलोसिटी सबका कितना था एट इन्फिनिटी, वेलोसिटी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मतलब आफ्टर इन्फिनिटी पे सिस्टम इज रिलीज्ड, तो हम जान रहे मेरा पूरा सिस्टम पे कौन सा फोर्स लग रहा है, टेबल पे मान लो रखा हुआ था हॉरिजॉन्टल टेबल पे ये तीन चार्ज ऐसे ट्रायंगल के शेप में रखा हुआ था सारे वर्टेक्स पे, ठीक इस पर फोर्स लग रहा था ऐसे 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 भाग जा रहा होगा, तो फाइनली सब का वेलोसिटी क्या होगा, फाइनली सारा चार्ज इक्वल है यार, सब चार्ज को भी इक्वल ले लो क्यों 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 क्यों, ठीक मास भी सबका मास mm, कोई दिक्कत नहीं सब इक्वल भी ले लो टेंशन नहीं होगा तो सबका वेलोसिटी भी क्या होगा सेम ही होगा, सबका वेलोसिटी भी सेम, सिमेट्रिक दुनिया क्योंकि इक्वल ट्रायंगल सिमेट्रिक दुनिया, ठीक कम लोग कॉन्सेप्ट से मतलब है तो सोचे हैं कैसे माइंड मैप याद है सबको ना, माइंड मैप में क्या चल रहा है मेरा, माइंड मैप सबसे पहले तो ये फिगर बना कि हाँ भैया अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक फिगर बन गया कि ऐसे फिगर है ऐसे ऐसे फोर्स लगेगा, फाइनली कुछ ना कुछ तीनों वेलोसिटी अपना गेन कर लेगा वी, ठीक माइंड मैप बन गया, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है, कॉन्सेप्ट माइंड मैप यही है, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट यही है कि चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिस्टम पर सिर्फ और सिर्फ वर्क कर रहा है तो इसका मैकेनिकल एनर्जी का जो होना चाहिए सेंस, मतलब कि कंजर्वेशन लगने वाला है, कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बहुत पूछते रहता है फ्रिक्वेंटली IIT में और नीट में, ठीक ना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, अब शुरू हो जाओ FBD बना ही हुआ है यहाँ तो FBD की जरूरत नहीं है, यानी कि सिंस ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्ट
इफेक्टिंग ऑन द सिस्टम, इसीलिए इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बराबर फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, मतलब इनिशियल के इनिशियल प्लस यू इनिशियल के फाइनल प्लस यू फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो भैया जीरो है, सब रेस्ट पे है, प्लस इसे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब सब अब हमको लिखना आता है पोटेंशियल एनर्जी क्या के, अब इसका लिख रहे देखो, तीन सिस्टम बनेगा यहाँ पे के क्यू वन क्यू टू बाई आर आर, तो के क्यू वन क्यू टू दोनों क्यू सेम है तो क्यू स्क्वायर बाई आर तो एल ए है। आप देखो चार्ज भी सेम है, दूरी भी तीनों का सेम है, इस सिस्टम का भी, इस सिस्टम का भी, इस सिस्टम का भी, तीन को सिस्टम है तो तीन से मल्टीप्लाई कर लें, तीनों को पोटेंशियल एनर्जी एक साथ लिख लिए। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक क्या होगा, ई भी से चल रहा है, ई भी से चल रहा है, ई भी से चल रहा है, तीनों का मास सेम हम ले लिए पहले ही, तो हाफ एम बी स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर तीन बार तीन से गुना कर लिए प्लस फाइनली तो भाई इन्फिनिटी पे चल गया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इन्फिनिटी पे जीरो, तो बस खत्म आ गया। थ्री से बराबर ये थ्री थ्री से थ्री कटा, अब क्या आ गया देखो, तो यानी कि के क्यू स्क्वायर बाई एल इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई टू, तो वी स्क्वायर बराबर टू के क्यू स्क्वायर बाई एम एल, तो वी कितना आ गया अंडर रूट टू के क्यू स्क्वायर बाई एम एल, इतना वेलोसिटी गेन कर गया होगा तीनों का तीनों चार्ज, सही है, दिख रहा है सबको क्लियर। चलो नीचे आई होप दिख रहा होगा, एक बार रुक जाओ, दिखा के क्यू स्क्वायर बाई एम एल, ठीक है चलो ठीक है ना, के क्यू स्क्वायर बाई एम एल, ठीक समझ गया सिंपल। ठीक पोटेंशियल समझ गया आई होप, अब हम लोग लास्ट फाइनल का डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल क्या होता है उसके बाद खेल खत्म, ठीक है लिख लिया आई होप। चलो अब क्या करना है, अब हम लोग पोटेंशियल डिस्कस करके कहानी को एंड करते हैं, उसके बाद पूरा खाली न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल बनाता रहना बैठ के घर पे, ठीक है। चलो पोटेंशियल बहुत ईजी है, पोटेंशियल को डिफाइन कैसे किया गया, बहुत सिंपल है, पोटेंशियल को डिफाइन कैसे किया गया, स्पेस में देखो चार्ज रखते हैं, स्पेस में क्या आ गया एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, मतलब एनर्जी आ गया, मतलब एक एक तरह से ऐसे बोल सकते एक स्पेस में पोटेंशियल आ गया, स्पेस में एक मतलब पावर आ गया, पोटेंशियल आ गया, ठीक है ना, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफाइन कैसे किया हम, तो पोटेंशियल इज सिंपल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज नथिंग बट वो मतलब पॉइंट चार्ज ऐसा रखा हुआ है, ठीक। तो मान लें एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, उसको हम इन्फिनिटी से हम आर दूरी पर इसको लाए हैं यहाँ पे, ठीक है ये टेस्ट चार्ज है मेरा टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी से लाए हैं यहाँ पे, ठीक है क्लियर है, ठीक है चलो। तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा होगा, तो पोटेंशियल वही कहता है, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट आर दूरी पर, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा, मतलब इस चार्ज के रहने होने की वजह से आर दूरी पर कुछ पोटेंशियल हो गया होगा, पोटेंशियल आ गया होगा, उसमें कुछ उस स्पेस में कुछ पावर आ गया होगा, उस वो स्पेस इफेक्ट हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया चारों तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो इसका मतलब एनर्जी आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया मतलब वहाँ एक पोटेंशियल आ गया, ठीक है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफाइंड एज वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज, सिंपल। एक्चुअली ये पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस चेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। वर्क डन तो कितना वर्क डन, अब वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाता है भैया, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अपॉन, क्योंकि एक्सटर्नल वर्क डन किया है ना तो माइनस से पीछे लगाना पड़ेगा, अपॉन चार्ज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक्चुअली चेंज पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होता, चेंज पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो ये फॉर्मूला बहुत ही फीवीआई हो गया एक ठो, ठीक क्लियर है यहाँ तक सबको समझ आएंगे। पोटेंशियल को ऐसे डिफाइन किए वर्क, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किए थे, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसी तरह पोटेंशियल को वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज, क्लियर है खत्म। इस चार्ज की वजह से आर दूरी पर यहाँ इस जगह पे क्या पोटेंशियल होगा, इस जगह पे पोटेंशियल कितना होगा, इतना होगा, ठीक चलो क्लियर है यहाँ तक सबको समझ आओगे। बेसिक डिफिनेशन मतलब वर्क डन, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सिंपल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जैसे वहां पे फोर्स पर यूनिट चार्ज था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह से यहाँ पे वर्क डन पर यूनिट यही पोटेंशियल है, क्लियर डेफिनेशन नोट। जहां से काम आता रहता है वर्क निकालने में, क्यू इंटू डेल वी, ये इसको न्यूमेरिकल हम यूज करेंगे, वर्क बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, और वगैरह लिख लिया, चलो नोट डाउन फटाफट समझते चलना है, कोई टफ नहीं है,
ठीक है, यही मेरा पोटेंशियल था। अब हमें से याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, मान लो वी वन है आपका, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो वी टू है, इफ वी वन ग्रेटर देन वी टू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हाई टू लो, हाई टू लो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल फ्लो फ्रॉम हाई टू हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है ऑलवेज, ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को, बहुत ही भी आई हो गया ये पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होता है हमेशा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पोटेंशियल कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमारे पास चार्ज है भैया तो पोटेंशियल भी होगा स्पेस में, ठीक, क्लियर है, गुड, चलो आगे बढ़े। अब पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से आर दूरी पर यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है ना, पोटेंशियल कितना होगा, तो क्या टेक्निक है, एक क्यू नॉट को ले आओ यहाँ पे, तो क्यू नॉट को यहाँ पे ले आओ, क्यू नॉट को उठा पुठा के यहाँ पे, तो पोटेंशियल वी एट आर, वी एट आर दूरी पे बराबर क्या वर्क बाय वर्क या फिर माइनस पोटेंशियल, माइनस क्या, माइनस पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो यानी कि के क्यू वन क्यू नॉट बाय आर यहाँ पे आ जाएगा, क्या क्यू नॉट नहीं आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू नॉट, सही है ना, ये सब कुछ समझ में आ रहा है ना जी, ये कैसे हुआ, माइनस पूछ रहा हूँ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा होगा, माइनस यहाँ से यहाँ प्लस कैसे हो गया, वही ना, क्यू नॉट, क्यू नॉट बजा के क्यू ऊ, अच्छा क्यू ही है बाय आर, वी आ गया मेरा आर दूरी पर, के क्यू बाय आर आ गया, के क्यू बाय आर, वहाँ पर आर स्क्वायर था भैया, यहाँ यू चेंज मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल पर पोटेंशियल तो जीरो ही होगा ना जी, तो माइनस इनिशियल तो यही ना, समझ गया ना, इसको ऐसे समझना, आर दूरी पर नहीं इतना था तो माइनस माइनस प्लस, ठीक, क्लियर, चलो यानी कि पॉइंट चार्ज की वजह से आर दूरी पर यहाँ 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 कहीं भी पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर, कितना होता है के क्यू बाय आर होता है, गुड, वेरी गुड, शाबाश, लिख लिया, चलो मिटा दे, गुड, ठीक है, हो जाएगा ना अब, अब देखो यहाँ मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कांस्टेंट ऐसे बह रहा है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पैरेलल बह रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कांस्टेंट बह रहा है एकदम पैरेललली, ठीक है ना, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में ऐसे ऐसे बह रहा है, ठीक है, स्पेस में ऐसे ऐसे बह रहा है, ठीक, तो अब इस जगह पे और इस जगह पे अपना कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करता है हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, क्रॉस सेक्शनल व्यू करो, ठीक है ना, कैसे है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये क्रॉस सेक्शन ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा, तब ना फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि पैरेलल कांस्टेंट फ्लो कांस्टेंट दिए हुए हैं, तो यहाँ यानी कि यहाँ पर सब जगह जो है मेरा पोटेंशियल क्या होगा, सेम, यहाँ पर भी सब जगह मेरा क्या होगा पोटेंशियल सेम, यानी कि इसको क्या हम बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अरे से मान लो कि भैया जो सरफेस जितना पॉइंट है वो तो जो भी सोर्स था सोर्स बराबर दूरी पर, दूरी बराबर तो पोटेंशियल भी सब जगह बराबर, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है, कैसा क्यों पोटेंशियल सरफेस है, तो प्लेनर है, कैसा है, प्लेनर है, एक प्लेन की तरह है, ठीक, तो यानी कि यहाँ पे जितना भी पॉइंट होगा इस सरफेस पे सब जगह पोटेंशियल क्या होगा सेम, पोटेंशियल सब जगह क्या होगा सेम, अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पैरेलल, पैरेलल है अभी, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, अगर पॉइंट चार्ज होता क्यू तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे है, नहीं ऐसे ऐसे है, तो वी बराबर क्या होता है आर, आर पे के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, अगर दूरी सेम लेंगे तो पोटेंशियल भी सेम, तो पॉइंट चार्ज से हम आर दूरी पर जाएंगे, सेम दूरी पर जाएंगे तो क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा ना, है ना, तो यहाँ पे हमारा कैसा है इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, स्फेरिकल, स्फेरिकल इक्वी
पोटेंशियल सरफेस, अरे यार दूरी सेम तो पोटेंशियल भी सेम, तो पूरा सरफेस मिल रहा है हमको, आर दूरी एक सरफेस में स्फीयर मिल रहा है ना, तो स्फीयर को इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे कैसा था, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि सब इक्विपोटेंशियल मतलब यहाँ पे कोई भी पॉइंट उठा लो सब जगह का पोटेंशियल क्या होगा, सेम, सब जगह पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है तो लिख लो इसको, इसको जल्दी लिख लो, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। भैया हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस भी मिल सकता है स्पेस में जहाँ पे सब पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, उस पर जो भी पॉइंट उठा लेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक और खास बात क्या है कि मान लो कोई चार्ज क्यू को हम यहाँ से यहाँ उठा के पटक के यहाँ लाए, तो वर्क पूछे कोई वर्क कितना किया, तो वर्क बड़ा क्या होता है, क्यू डेल वी। अब चूंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस तो चेंज इन पोटेंशियल तो होगा नहीं, जीरो, यानी वर्क डन जीरो। बस समझ में आ रहा है ना सबको, वर्क डन जीरो हो गया। अगर हम चार्ज को उठा पटक हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वहीं पे वहीं ले जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कहीं भी ले जाएंगे, तो मेरा वर्क डन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा ना। गुड, लिख लो, नोट डाउन, इक्विपोटेंशियल सरफेस। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, एक फाइनल फंडा क्या कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इसका मतलब कोई ना कोई रिश्ता होना चाहिए ना, कोई ना कोई तो रिश्ता होना चाहिए, क्या रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। वो तो है, हाई टू लो बहता है, ठीक, लेकिन किस हिसाब से बहता है, उस हिसाब से ताकि मेरा पोटेंशियल जो सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या हो, इक्वी, अरे यार इक्विपोटेंशियल सरफेस था उस पर परपेंडिकुलर गिरना पड़ेगा ना, परपेंडिकुलर नहीं गिरेगा अगर मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा है, तो मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अगर परपेंडिकुलर नहीं अगर हम गिराएंगे, सीधा गिरा देंगे अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ कुछ कंपोनेंट, अगर मान लो एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर, तो एक कंपोनेंट इधर होगा, और जैसे ही इधर कंपोनेंट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो जब ये कोई चार्ज वार्ज होगा तो चार्ज पे वर्क हो जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा तो वर्क होगा ही भाई, क्योंकि फोर्स बराबर हो जाएगा क्यू इंटू ई, और वर्क बराबर हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स तो लग ही रहा था, डिस्प्लेसमेंट भी हो ही जाएगा। लेकिन हाँ ऐसा होता है क्या, नहीं ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पर ले जाते हैं तो क्या हम वर्क करते हैं, नहीं ना वर्क करते हैं, वर्क डन ड्यू टू, नहीं ना होता है, जी जीरो होता है, क्यों भी देख लिए थे वर्क बराबर क्यू डेल वी से, जीरो होता है। तो यानी कि अगर हम जैसे तैसे इलेक्ट्रिक फील्ड गिरा देंगे हम इक्विपोटेंशियल, ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो मेरा गड़बड़ है बात, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमेशा परपेंडिकुलरली ही मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर गिरना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पढ़े थे याद होगा सबको, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉल्स परपेंडिकुलरली, एक सेकेंड ठीक से ले देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉल्स परपेंडिकुलरली टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमको उसको परपेंडिकुलर ही गिरना पड़ेगा। क्लियर है बात, क्यों, क्योंकि भैया अगर परपेंडिकुलर नहीं गिरेगा तो सब उस कुछ ना कुछ कंपोनेंट उस सरफेस के अलॉन्ग आ जाएगा, और जब कंपोनेंट आ गया तो भैया वर्क हो जाएगा ना, तो गड़बड़ है, वो तो होना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस फंडा। ओके ना, फाइन, गुड, चीता समझ आ रहा है। तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो इट इज डिफाइंड एज ई ई इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन एज माइनस डी वी बाई डी सॉरी V इज इक्वल टू माइनस, क्या होता है सबको याद है, पढ़े हो नहीं, कोई बात नहीं, डेल V इक्वल टू होता है माइनस इंटीग्रल E डॉट डी आर, ई डॉट डी आर, और उल्टा बोलो तो E इक्वल टू, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, माइनस डी वी बाई, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, V पोटेंशियल है, R दूरी है, ठीक, डिफरेंशियल फॉर्म हो गया, इंटीग्रल फॉर्म हो गया, ठीक, चेंज इन पोटेंशियल बराबर माइनस ई डॉट डी आर, इंटीग्रल का याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज करेंगे इसको, और ये तो इंपॉर्टेंट है, इस पर तो सवाल भी पूछ चुका है, ठीक है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल माइनस डी वी बाई डी डी आर, मैथमेटिकली
दोनों ऐसे इंटररिलेटेड है। इस बस समझ में आ गया सबको मैथमेटिकली, क्लियर है? ये जैसे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, ठीक, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, क्लियर है? अब क्वेश्चंस करना है, इस पर न्यूमेरिकल्स करना है। तो घर जा कर के अब SCV का इलेक्ट्रिक फील्ड्स और गॉस लॉ दोनों का न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव सब बना लेना, हम एक ही बार डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम सोच मतलब डिसाइड किए हैं कि हम सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक जगह एक ही वीडियो में हम सबको एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर देंगे, ठीक, एक ही वीडियो में सारा का सारा रिविज़न होगा। उसके फिर नेक्स्ट लेक्चर में अब इसके बाद कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे, सबसे पहले ये सोच रहे हो सब आदमी, तो कैपेसिटर नहीं चालू करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट चालू करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट उसके बाद कैपेसिटर, ज़्यादा फील आएगा, ठीक। कैपेसिटर को थोड़ा दिल पे पत्थर रख के चलना, ठीक है, हाँ। और न्यूमेरिकल भी तो डिस्कस करना है ना सारा, अच्छा अच्छा PDF भी डाल देंगे अब हम न्यूमेरिकल्स का, अच्छा अच्छा लेकिन उससे पहले SCV सॉल्व करो और प्रीवियस ईयर बनाते बनाना शुरू कर दो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। प्रीवियस ईयर नीट IIT जो मिले सबका प्रीवियस ईयर बना जाओ, BCEC IIT नीट फीट सब सब न्यूमेरिकल अगला दिन हम पहले बोल दिया, SCV पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है, SCV के बाद फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर और बेस्ट बेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल्स का सेशन अलग से होगा, ठीक। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, कैविटी प्रॉब्लम सबको, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और ये पूरा पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार हम इसको सम करके लिख देते हैं, एक बार कैविटी, कैविटी क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिस्टर्ब द स्पेस ऑफ कैविटी, ठीक। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कैविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस खाली चार्ज उर्ज इंड्यूस हो जाता है, बात ख़त्म है, कैविटी को फ़र्क नहीं पड़ता है। गॉस लॉ से हम लोग डिस्कस कर लिए थे, ठीक है ना, नो इफेक्ट, यही मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। इसी को क्या बोलेंगे, कैविटी इज शील्डेड, ठीक पढ़े थे इतना, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, रो आर वेक्टर बाय 3 ε0, वेक्टर फॉर्म में याद रखना जरूरी है। मान लो ऐसे था, ऐसे कैविटी है यहाँ पे स्फेरिकल, ठीक है ना, तो ऐसे हम जोड़ दो तो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, सबको याद आ गया, ठीक। ये वाला चार्ज कंडक्टर है, ठीक, तब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में ऐसा होगा, ठीक है, सबको याद आ गया इसके बाद हम लोग क्या पढ़े, अच्छा कैविटी में ख़त्म हो गया, इतना ही बात था कैविटी में, है ना, चलो क्लियर है ना। अच्छा एक और पॉइंट क्या था कैविटी में, कि कैविटी में अगर चार्ज रखा हो मेरा क्यू, तो भैया ये परपेंडिकुलरली फॉल करता है, ठीक, और मेरा यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाता है इंड्यूस, यहाँ पे मतलब इसके ठीक अपोजिट, यहाँ अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा इंड्यूस, और यहाँ पे बाहर में अपना प्लस, जो जो अंदर रखा हुआ था वो बाहर इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। सेम चार्ज गेट इंड्यूस्ड ऑन आउटर सरफेस एज इनसाइड द कैविटी, ठीक है, सेम चार्ज गेट इंड्यूस्ड ऑन द आउटर सरफेस एज इनसाइड द कैविटी, के अंदर जो चार्ज रखा होता है उतना ही एज इनसाइड द कैविटी, ठीक, सेम चार्ज गेट इंड्यूस्ड ऑन द आउटर सरफेस एज इनसाइड द कैविटी, के अंदर जो भी चार्ज था उतना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, ठीक है, ये वाला क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, ठीक सॉरी कैविटी हो गया, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद था आप तुमको पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी सबको याद आ गया कि अगर दो पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2 r दूरी पर, तो मेरा U बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 बाय r, प्रोसेस क्यू डिफाइन इज सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज कंजर्वेटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन
चार है ठीक, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड भी है। इसी का फ़ायदा क्या उठा लेते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व होता है इफ़ ओनली दिस इज एक्टिंग एक्टिंग देन क्या मेरा कंजर्व होगा, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्वड ठीक, पोटेंशियल एनर्जी हो गया ठीक है। इतनों को लिख लो, इलेक्ट्रो पोटेंशियल हम लोग पढ़े हैं उसको भी हम ऐड कर देते हैं अभी, जल्दी से इसको लिख लो ठीक है ना फटाक से ठीक, आज इसको ओवरऑल ख़त्म ही कर देंगे, जल्दी से इसको लिख कर स्क्रीन शॉट ले लो ठीक है गुड। उसके बाद जो है सो और क्या फाइनली पढ़े हम लोग कि पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिए है ना, कि पोटेंशियल मेरा क्या होता है और उसका क्या रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ठीक। तो पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया गया हम लोग कि भैया पोटेंशियल क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ठीक, पोटेंशियल है ठीक है। फाइंड चार्ज के मतलब कि मेरा डेल वी इक्वल्स टू मेरा क्या आ गया, वर्क बाय चार्ज, यही मेरा क्या होगा माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज, क्लियर है फंडा क्लियर है ठीक, याद रखना ठीक है ना। पॉइंट चार्ज की वजह से सबको याद रहेगा क्या होता है, क्यू चार्ज की वजह से आर दूरी पर यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा के क्यू बाय आर। अच्छा पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी है स्केलर, इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है वोल्ट, लिख लेना सब आदमी क्या होता है वोल्ट, उसको वी से डिनोट करेंगे कैपिटल वी से, ऐसा यूनिट क्या होता है वोल्ट, स्केलर होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है जीरो भी हो सकता है ठीक, कुछ भी हो सकता है ठीक है ना। और पोटेंशियल के बारे में खास बात क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, ओके फाइन, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट, आप सबको याद हो जाएगा ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट, सबको न्यूमेरिकल लगाना शुरू कर दो, प्रीवियस ईयर एस सी वर्मा सब बनाओ, न्यूमेरिकल जाके बनाते रहो, पहले एस सी वी देन प्रीवियस ईयर, आईआईटी का नीट का सबका बना जाओ, नीट वाला भी आईआईटी का बना लो, आईआईटी फर्क नहीं पड़ता सब बना लो ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू ठीक है।